Hello students, welcome to my channel Physics Ki Class. Students, from today I am going to start Physics of Class 12. तो फर्स्ट यूनिट में शुरू कर रहा हूँ और फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स और फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ओके, लुक एट द बोर्ड नाउ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और प्लस इसका मतलब होता है स्टैटिक का रेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करते क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन से इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज एट रेस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोला जाता है। अब आते हैं बात फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में माइनर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए दो तरह की बॉडीज होती है, एक कंडक्टिंग बॉडीज होती है, एक आपकी इंसुलेटिंग बॉडी होती है और एक होता है सेमी कंडक्टर, जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टिंग भी और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी उस सब्सटेंस में होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटिंग बॉडीज की। तो हमें सीखना है यहां पर कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, रोल करती है या उसको किसी तरह से चलाया जाता है, उस समय में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि कुछ एनर्जी लगती है फ्रिक्शन से बाहर आने में। ठीक है, तो यहां पर समझने के लिए यह है कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि द चार्जेस एट रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडीज विच आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करते हैं और दोनों इंसुलेटिंग हो, यानी कि इंसुलेटिंग का मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरह से पास ना हो, उसके बावजूद भी इंस्टेड ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, इसके बावजूद भी उसके अंदर क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर्ड हो जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो सबसे पहले ये जाने की जो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये कहां से आया, ये आया है डियर स्टूडेंट्स ग्रीक से, और इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, वो लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। ये है, ये ग्रीक लेटर से आया है वर्ड, जिसको कि हमने बाद में बना दिया इलेक्ट्रिक, और इसी से बन के बाद में हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें जाने कि 1947 में अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही प्रपोज्ड ए थ्योरी, उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा वो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ईच एवरी बॉडी हैज ए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई भी आप बॉडी ले दुनिया में उसके अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ही, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है, एंड इफ अकॉर्डिंग टू हिम इफ वन बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब किया जाए तो क्या होगा कि सम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर माइंड स्टूडेंट रब करेंगे तो कुछ एनर्जी जो है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसफर होगी, उसी चीज को हम बोलते हैं आपका के इलेक्ट्रिसिटी जो बॉडी चार्ज हो गई है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम यहां पे इस तरह समझें कि अकॉर्डिंग टू हम उन्होंने बताया है, क्या बताया फ्रैंकलिन ने, उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी तरह से, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन रबिंग माय डियर स्टूडेंट, कि यदि हम किसी चीज को रब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये मेरे पास बोर्ड है और ये मेरे पास ये सनमाइका है, ये मेरे पास प्लास्टिक है, अगर हम इसको रब कर रहे हैं तो रब करने के बावजूद कोई भी नया इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा रबिंग से हम कोई भी चीज नहीं क्रिएट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, बट इट इज मेरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उन्होंने उसको कहा है, एक को उसने उन्होंने माना है कि विट्रियस को ही कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव, एक रेजिनस को उन्होंने माना है नेगेटिव। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल में सबसे पहले ये आता है कि अगर हम किसी ग्लास रोड को देखिए, क्या है हमारे पास एक ये ग्लास रोड, इसको मान ये हमारे पास एक ग्लास रोड है,
ग्लास रोड। और ग्लास रोड को यदि हम किसी सिल्क से रब करते हैं, ये सिल्क हमने लिया या हम ऐसे कोई पीस ले लें सिल्क का, तो इसके ऊपर यदि हम रब करते हैं, बिकॉज बोथ आर इंसुलेटिंग बॉडीज, अब इंसुलेटिंग बॉडीज को आप रब करेंगे, तो रब करने के बाद क्या होगा, जो ग्लास रोड है दैट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आने वाला। इसका मतलब यह हुआ है कि इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स या अपना कुछ चार्ज सिल्क को दे दिया है, और इक्वल अमाउंट में 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 माय डियर स्टूडेंट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ट्रांसफर हो गए। अब इसने क्योंकि चार्ज इसको दिया है तो ये हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर जो होगा उसके ऊपर तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और जो डोनर होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, दाता जिसको हम डोनर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राही, ये लेने वाला, ये देने वाला, देने वाला हमेशा उसके ऊपर कहते हैं भाई इसके पास कुछ था एक्सेस तो इसने दिया। अब इसमें क्या होगा, इसका वेट यहां से लूज हो जाएगा, यानी कि इसका मास यहां पे कम होगा और इसका मास यहां पर ज्यादा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे हम ले लें कि यदि हम कॉम को ड्राई हेड से रब करते हैं तब प्रॉपर्टीज बदलती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, कैटिस्कोन को करते हैं कैटिस्कोन को या एबोनाइट रोड को हम रब करते हैं, अम्बर को हम रब करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है, द मेटेलिक बॉडीज ऑफ कार्स एंड ट्रक्स, जो कार और ट्रक्स होते हैं दे गेट चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड द एयर पुशेस पास्ट देम, जब उनको रब करते हैं क्योंकि देखिए कोई ट्रक चल रहा है उसके टायर होते हैं, सड़क है तो रोड और जो टायर होते हैं उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, पैदा होता है, ठीक है, उस फ्रिक्शन से और जो एयर आ रही है वो जो एयर उसको रश करती है यानी कि पुश करती है उसको, रशिंग पास्ट देम यानी कि उसके ऊपर धक्का लगाती है एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे एक फ्रिक्शन पैदा होता है, और जो फ्रिक्शन पैदा होगा उस फ्रिक्शन से क्या होगा, ये जो चार्ज पैदा होता है ये चार्ज बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है स्टूडेंट, तो द चार्ज बींग लार्ज कैन प्रोड्यूस ए स्पार्क, तो उससे एक चिंगारी पैदा हो सकती है, और वो चिंगारी कहां तक जा सकती है, जो आपका पेट्रोल का जो टैंकर उसके अंदर लगा रहता है, जो पेट्रोल टैंक है हम इसको कहते हैं उसमें लगा रहता है, तो स्पार्क जो है उसके थ्रू पूरी गाड़ी के सरफेस के ऊपर एक जगह इकट्ठा होकर वो पेट्रोल टैंक में आग लग सकती है। तो अब क्या करते हैं, इससे बचने का क्या उपाय है, तुमने रात के समय देखा होगा कि रात के समय कुछ एक वायर होती है जो टैंकर होता है वो टैंकर से एक चेन जो है वो ग्राउंड के पे छोड़ दी जाती है, अब जब कोई ट्रक चल रहा है तो उस ट्रक के नीचे आपको थोड़ी थोड़ी चिंगारी दिखाई देती है, उससे क्या हो रहा है कि जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है जो टैंक तक जाना चाहिए था अगर चला जाता वहां तक तो उसमें आग लग जाती है, वो बहुत डेंजरस उसके लिए साबित होता है, इसलिए क्या करते हैं एक मेटलिक रोप को उसके साथ लगा देते हैं, तो जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होता है दैट विल ऑन एक्यूमुलेटिंग ऑन द टैंकर दैट विल पास थ्रू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द आफ्टर चेन, जो मेटलिक चेन लगे थे उससे वो ग्राउंड में चला जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के पोल्यूशन को इससे रोका जा सकता है। दूसरा एक स्काई एप्लीकेशन है वो है कि इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर लाइक वेंडी ग्राफ जनरेटर एक होता है, ठीक। तीसरा इसका एक एग्जांपल है जो कि इसके एप्लीकेशन है इन द डिजाइनिंग ऑफ कैथोड रेज ट्यूब्स फॉर टेलीविजन एंड रडार, इनके लिए भी इसकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप अब समझ जाएंगे ये सब क्या है। पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रो जो इंसुलेटिंग बॉडीज होती है, इंसुलेटिंग बॉडीज पे जो फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग है कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके ऊपर रहता है, और वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है माय डियर स्टूडेंट्स वो चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता बट चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो अब हम इस केस से बात करते हैं ये होता कहां है, कहां से आता है। देखिए आपका ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करते हैं
हमें पता है कि कोई भी जो एटम होता है, अब ये आज के टाइम में इसको डिस्कवर्ड कर लिया गया है, इसको ट्रेस कर लिया गया है कि जैसे हमारे पास एक हम कहते हैं एटम, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, उसके सेंटर में उसकी कोर में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इन द सराउंडिंग ऑफ दिस देयर आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर ये बचे हुए हैं यहां पर, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, और ये हमारे पास बच गया न्यूट्रॉन बच गया। तो इसका एक कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों तो यहां बंधे रहते हैं, ठीक है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो है ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर रहता है, ये तो टाइटली बाउंड रहते हैं, टाइटली जुड़े रहते हैं। अब क्या होता है कि यदि हम इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहें तो वेरी लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसके न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए नहीं बनते स्टूडेंट, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब एक बात यहां पे ये इंपॉर्टेंट करने की समझने के लिए स्टूडेंट्स, जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो लाइटर हो जाती है, इसका वेट कम हो जाता है और इसका वेट जो है बढ़ जाता है, मोर हैवी हो जाती है। कारण क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो बराबर है, वो तो बॉडी में जितने ट्रांसफर होंगे जैसे इसके पास तीन इसने दिए तीन इसके पास पहुंचेंगे, तो ये हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है वो मोर मासिव हो जाती है, क्योंकि इसने तो अपने लूज किए हैं, इसने लूज करके इसको दे दिए हैं, अब ये ज्यादा हैवी हो जाएगी, ये थोड़ा लाइट, इसका वजन हल्का हो जाएगा, यानी कि इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास ज्यादा हो जाएगा, लेस मासिव दिस इज मोर मासिव, ये इन दोनों में ये होता है। तो अब इसके बाद आप आसानी से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट क्या कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से ऑन रबिंग फ्रिक्शन के द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ये चले जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक रेस्ट, डू हार्ड वर्क टू गेट योर सक्सेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।